लेकिन सबसे पहले तो रुआ सभी से नम्र निवेदन बा कि ज्यादा एक्साइटेड होके कोनो प्रकार के कुछ भी एग्रेसिव होके कोनो बात नहीं के बोले के, लेकिन एगो विषय बा छोटा से और एकरा पे हम बात करे चाहते नहीं। रुआ सब के हम कभी ना बतौले रही, चाहे कलाकार हो आदमी बहुत कुछ अपन प्रॉब्लम ना बतावेला। विगत पिछले 20-25 दिन से रउरा भाई के ही का मतलब लगभग कलाकार के नाम पे सबके, लेकिन रउर भाई के स्पेशली बहुत सारा कुछ लोग टारगेट कर रहल बा। कुछ लोग हर बार मने खोला ना कि चली पहला दिन रउआ कुछ कह देनी तो ठीक, बाद में चुप लगा जला कि चल कलाकार हो का बोले के बा, हर बात पे रिएक्शन ना देवे के। बासुकीनाथ शुक्ला जी कोलकाता से नमस्ते, आपको भी कोलकाता में जय जय रहिए। तो राजीव कुमार बिक्की भाई बहुत सुंदर लागत नी, रउ बहुत सुंदर बनी भाई हमार। हरिवंश यादव, नंदकिशोर यादव, तो सभी भोजपुरी परिवार जितना भी भाई अभी हमरा के सुन रहा बड़े लाइफ में, हम ये बात मानता नहीं कि कोनो चीज के बात होला, बात होके के चाहिए। आज पूरा लगभग पूरा समाज पूरा लोग लागल बा और हमनियों के में साथे बनी जाए। मान लीजिए कि भोजपुरी भाषा के ऊपर बात हो रहा है, भोजपुरी गीत संगीत के ऊपर बात हो रहा है, तो कोई पीछे नहीं है इसमें, हम सब लोग एक साथ है। हमारे लिए हमारे सभी कलाकार बंधु हम लोग साथ हैं। हमारे लिए जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, जो चीजों पे फैसला होगा, हम लोग साथ हैं। और हम लोग का यही काम है कि हम लोग अपने जनता को, अपने भगवान स्वरूप जो हमारे श्रोता बंधु हैं, हम उनको इंटरटेन तो करते हैं। हम हैं तो कलाकार, हम जाति से सिपाही तो है नहीं, हम हैं तो कलाकार ही, हमारा काम है इंटरटेन करना। लेकिन अगर उसमें कुछ गतिविधि है, और मैं हर व्यक्ति को नहीं बोल सकता हूं, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन मान ली कि अगर कोनो भी विषय पर बात होता तो ओकरा खातिर सरकार बनावल बा, गवर्नमेंट बा, तरीका बा, सिस्टम बा। लेकिन यह सब सिस्टम के अलावा ई कौन सिस्टम बा कि रउरा केहू कलाकार बा तो ओकरा माई के, ओकरा बहिन के रोजगारी दी ही आ रउआ अपन नाम कमाई। तनी आज हम ई जानल चाहतनी कि जे भी भाई जे कहेला कि भैया हम रउआ सब से प्यार करी ले, हमनी के भोजपुरी से प्यार करी ले जा, हमनी के गाना सुनी ला जा, एक से गीत संगीत सुनी ला जा, तो रउरा सब आज यह बात के जवाब हम लाइव में रउए सब से पूछब कि ये कौन सा मने लिखा हुआ है संविधान में कि आपको अपना नाम करना है तो आप दूसरे को प्रतिदिन गाली दीजिए। इसका थोड़ा जवाब हम चाहते हैं आप लोगों से। आप खाली बता दीजिए कि कौन से संविधान में ये बात लिखा हुआ है कि किसी कलाकार को रोज आप गाली दीजिए, सुबह आंख खोलिए उठिए और आप गाली दीजिए और आप कहिए कि मेरा तो बड़ा नाम हो रहा है, मेरे को तो लोग जान रहे हैं, हमको तो कल तक एक हमारे गली में कुत्ता नहीं जानता था, आज हमको तो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। काहे भाई फॉलो कर रहे हैं? तो आप कभी कल्लू जी के पापा जी का फोटो लगा देते हैं और खूब गाली देते हैं, कभी आप अंकुश राजा जी का फोटो लगा देते हैं खूब गाली देते हैं, कभी आप खेसारी जी का फोटो लगाते हैं खूब गाली देते हैं। तो आप तो बहुत महान काम कर रहे हैं, आपके तो आसपास आपका फोटो लगा के लोग बहुत बोल रहे हैं कि बहुत महान काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज का एक नियम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, आपको क्या लगता है आप किसी कलाकार के माँ बहन को गाली दे रहे हैं, आप किसी कलाकार को रोज गाली दे रहे हैं, क्या उसका कभी खून नहीं खोलता है क्या? आप रोज रोज उसको टारगेट कीजिएगा, रोज उसके माँ बहन को गाली दीजिएगा, वो उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? दीपक पाठक जी, हम एक बस बात पूछ रहे हैं कि अगर हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, हर चीज के लिए सिस्टम बना हुआ है,
तो सिस्टम फैसला करेगा ना, जिस दिन कानून आ जाएगा, सेंसर बोर्ड आ जाएगा, एल्बम का सेंसर होने लगेगा, चीजें होने लगेंगी, अपने आप सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हर भोजपुरी गायक का फोटो लगा के, अब बताइए, कल्लू जी एक कलाकार हैं हमारे, छोटे भाई हैं, मैंने एक वीडियो देखा उनमें उनके पिताजी का फोटो लगा के और उनके बाप का फोटो लगा के और उनका फोटो लगा के, जो कि उनके पिताजी हम लोग के पिताजी हैं, गार्जियन हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे पापा डेथ कर गए, पापा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाप नहीं है, वो हमारे पिताजी ही हैं। और मैं उनका जब फोटो लगाया हुआ देखा गंदे तरह से, और उसपे एक तो वो घटिया इंसान जिसको कि बात करने की तमीज ही नहीं है, और उसको 10 लोग ये बता दिए हैं कि तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, तुम कलाकारों को गाली दे रहे हो तो। और हाँ, राज मिश्रा जी बहुत अच्छा बात बोले आप, मैं भी यही बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि ये जो ड्रामा किया है ना, ये देख लीजिएगा, ये धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा, ये कुछ दिन के बाद अब कलाकारों को, एक दो कलाकार से देखा, छोटे कलाकार से अपना गाना भी गवाया है, इसका धंधा देखिए। मैंने ये पूरे भोजपुरी पब्लिक 40 करोड़ लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहा है और कितना दिमागी बन रहा है। कल मैंने एक अंकुश राजा जी का वीडियो देखा, अंकुश राजा जी का कोई वीडियो डाला था, उसपे गाली वाली पूरा दे रहा था, तो उसमें हमको, खैर हमसे उसको कुछ ज्यादा ही प्रेम है, खैर उसके माँ बाप को हम तो कभी गलत बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम असंस्कारी नहीं है, हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है, और ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा हुआ हूं तो कम से कम इतना बना के रखता हूं और संस्कार दिया है। रही बात मेरे स्टेज का फोटो निकालते हो कहां का, तो आदमी जब परफॉर्मेंस करता है, इंटरटेन करता है, तो वो अपने दर्शक के बीच में करता है, इंटरटेनमेंट करता है। तो 40 करोड़ लोगों को फेसबुक पेज पे देखिए ये कैसे मूर्ख बनाता है। कल तक इसके गली का कुत्ता नहीं जानता था इसको, और आज ये कल्लू जी को गाली देके, अंकुश राजा को गाली देके, समर सिंह को गाली देके, गुंजन जी को गाली देके, सभी कलाकार को गाली देके, ये अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे को तो अवार्ड मिल गया। और नया चीज क्या सीखा है कि राकेश मिश्रा का गाना आ रहा है, कल बोला है, कल मैंने सुना कि कोई बताया हमको कि बोला कि जिलेबी का इंतजार कर रहे हैं, से जिलेबी आएगा ना तो इतना रिपोर्ट मारेंगे ना कि गनवे नहीं चलेगा। ऐसा है ना बेटा, एक बार, दो बार, तीन बार रडार में आ जाओगे ना। तुम राकेश मिश्रा को जो समझ के बैठे हो, तुमको अभी राकेश मिश्रा के विषय में पता नहीं है बेटा। मैं तुमको बोला ना कि कलाकार बहुत पेशेंस वाला चीज होता है, वो रोता भी है तो जल्दी किसी को दिखाता नहीं है। तुमको लग रहा है ना कि मैंने आज तुमको बता दूं, और कल दर्शक भी देखेंगे जो हमारे आज भाई लोग सुन रहे हैं, कल जिनेबी गाना आ रहा है भोजपुरी भाषा में पहली बार हिंदी के टक्कर का, ये हमारा गर्व है हमारे भाषा पे कि हम इतना आगे मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी लागत से, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करके बड़ा गाना लेके जिलेबी आ रहा हूं एसआरके म्यूजिक से, और तुम बेटा बोलते हो मेरे दिन रात मेहनत को कि तुम दो मिनट में कुचल दोगे। और ये जो करोड़ों करोड़ जनता हमें प्यार करती है वो हमारी गार्जियन नहीं है, वो हमें प्रेम नहीं करते हैं, तुम्हारे कहने से सब लोग गाली ही देगा हा? अपना धंधा तुम चला रहे हो और सबको मूर्ख बना रहे हो। तुमको यही इसलिए मूर्ख बना रहे हो ना कि आज तक कोई कलाकार आके बोल नहीं रहा है सीधा सीधी हा? तू कहां पैदा हुआ है, तू पैदा कहां हुआ है, तू जहां पैदा हुआ है ना वहां के लोगों के सामने भी कुछ दिन के बाद तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तू बोलता है ना कि मैं बहुत वो करता हूं। हर कलाकार को तुम एक ही तो बात बोल दी है कि कल्लू जी और कल्लू जी के पिताजी को जब इसने फोटो लगा के और गाली देना शुरू किया ना भाई, सच कहते हैं आंख भर गया, मतलब आंसू आ गया, दुख हुआ मन में कि देखिए आज के डेट में अगर एक कलाकार ही धरती पे कमजोर जात है क्या, जिसको जब मन करे, जैसे मन करे, जो मन करे तुम अपना नाम, अरे इतना ही तुम्हें औकात था, इतना ही तुम्हें गट्स था, तो तुम मेहनत करके अपना नाम बना लिए होते।
गाने तो तुम्हें आएगा नहीं, सरस्वती ने आवाज दिया नहीं है। तो सरस्वती ने आवाज नहीं दिया है तो तुम अपना नाम कमाने के लिए गाली ही दे सकते हो ना। तुमको जब गाने तो आएगा नहीं, बजाने आएगा नहीं, कोई क्वालिटी तो तुम में है नहीं, क्वालिटी तो है नहीं। और रही बात बेटा कि राकेश मिश्रा का जो गाना आ रहा है ना, तो इसके पहले तुम 3 बार किए हो और तुम्हारा स्क्रीनशॉट हम रखे हैं इसके पहले तुम, क्योंकि तुमको क्या लग रहा है ना कि तुम बहुत तेज हो और जो 20 लड़कों को तुम गुमराह करके उनको बेवकूफ बना के अपना नाम बना रहे हो और उनको अपना चापलूस बनाए हो और बोलते हो कि सोशल मीडिया पे रोको और गाने पे रिपोर्ट मारो, तो बेटा 3 बार किए हो, 3ों बार का स्क्रीनशॉट रखा हूं मैं, और मैं अभी पब्लिक को तुम्हारा स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, मैं रखा हूं। इतना रेलूंगा ना कि शायद तुम फिर सपने में भी कल्पना नहीं करोगे, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर किसी दिन मेरा लाइव सुनेंगे ना, तुम बोलते हो ना रोज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं आदेश दिया है कि तुम हर कलाकार के माँ बहन नहीं होती है, अब तुम्हारी माँ बाबू जी माई बाबू जी है और तुम हर किसी को गाड़ी दोगे, हर रोज एक नया गायक, किसी दिन कल्लू जी को गाली दोगे, किसी दिन समर जी को गाली दोगे, किसी दिन अंकुश राजा को गाली दोगे, सबको गाली दे के और तुम अपने आप को महान शील्ड लेके घूमोगे कि हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं पब्लिक को कि तुम मुझे पर्सनली टारगेट क्यों किए हो, मैं बताता हूं आप सभी को बता दूं कि इसने मुझसे बोला, ये मेरे से एक दिन बात किया, तो इसने जब बात किया तो इसने क्या बोला कि मेरे साथ आप लाइव आइए। भाई तुम कौन से आज तक के पत्रकार हो, कौन से अंजना सिंह हो, कौन तुम क्या हो कि हम तुम्हारे साथ लाइव हैं, तुम्हारा नाम बनाने के लिए लाइव हैं। अब लाइव नहीं आए इसलिए गुस्से में लाल होकर सेकेंड डे मेरा कोई स्टेज प्रोग्राम निकाल के ये डाला पूरा। तो बेटा अगर तुमको इतना ही दुश्मनी निभाना है तो तुम्हारे साथ कल्लू जी चाहे राकेश जी चाहे कोई जी भी लाइव काहे आएंगे। अब अगर आप इसकी पॉपुलरिटी नहीं बनाते हैं, इसकी पब्लिसिटी नहीं बनाते हैं, अगर इसको आप भाव नहीं देते हैं, तो ये गरमा के क्या करता है, ये गरमा के गाली देता है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है कि कल जैसे बोला अंकुश राजा वाले इंटरव्यू में कि मैं जिलेबी का इंतजार कर रहा हूं। बेटा जिलेबी को बनाने में ना गीतकार ने रात भर कलम चलाया है, म्यूजिक डायरेक्टर 10 दिन से धुन बना रहा है, एक कलाकार के तौर पे दिन रात गा के मेहनत करके उसको लगातार 3 दिन शूटिंग किए हैं हम लोग, एक कंपनी लगातार न जाने कितने पैसे लगाई है कि हम लोग एक एक बड़ा लेवल का वीडियो छोड़े अपने दर्शकों के लिए, और इतना मेहनत करने के बाद ना बेटा बैठे बैठे जो तुम गेम प्लान कर रहे हो ना, बस इतना ध्यान रखना कि कोई अगर नहीं बोलता है ना तो बार बार उसको ना छेड़ो मत, ठीक ना। और सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है बेटा, जिस राकेश मिश्रा पे तुम उलझते हो ना बार बार, राकेश मिश्रा अजगर है, आज सुन लो मैं लाइव में बोल रहा हूं, मैं जल्दी नहीं बोलता हूं, 14 हजार से भी ऊपर हमारे ऊपर समस्या आया होगा, कहा दो कभी बोलते तो है ही नहीं, जब जब दुख होता है तब बोलता हूं, और इस बार दुख अपने लिए दुखी नहीं हूं। जिस दिन तुम कल्लू के पिताजी का मजाक उड़ाए ना, उसी दिन तुम नजरों में गिर गए कि तुमसे घटिया कोई नहीं हो सकता है। और ये जो महान काम तुम कर रहे हो ना, जो तुमको लग रहा है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, तो महान काम पता है किसे कहते हैं, विरोध करना चाहिए, विरोध हमेशा होता है,
हर दिन सरकार के खिलाफ भी रैली होता है, विरोध होता है, कोई गाली नहीं देता है विरोध में। कोई गाली नहीं देता है। ये जो 20 करोड़ 30 करोड़ जनता है, ये रोज तुम्हारे मुंह से भजन सुनने के लिए तुमको नहीं सुनती है। आज तुमको नहीं पता है तो जान लो, पर्सनली रोज कम से कम 50 ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया ये इतना घटिया बोलता है, इसका क्या किया जाए। मैं खुद बोल रहा हूं कि भोजपुरी भाषा में एक सिस्टम आएगा, एक सिस्टम आएगा मेरे भाई, हम खुद बोल रहे हैं। अश्लीलता कौन, अच्छा कौन चाहता है यार कि हम अपने परिवार में नहीं बैठ के चीजें करें।